चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब बाय रूट अंडर कॉस 2t और वाई बराबर कॉस क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t तो फाइंड करो डीवाई बाय डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं, एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, वाई को अलग से टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है, साइन क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में तो डीएक्स बाय डीटी होगा ना। उसी तरह u बाई भी हो गया d बाई डी टी, किसका, साइन क्यूब टी बाय रूट के अंदर में कॉस 2t का। ओके, ये u बाई भी, तो भी को छोड़ दीजिए, ठीक है। u का डिफ्रेंसिएशन मतलब साइन क्यूब टी का, पहले तो साइन टी के रिस्पेक्ट में, फिर साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या देखिए, u बाई भी में भी को छोड़े u का डिफ्रेंसिएट माइनस अब u को छोड़ेंगे अर्थात साइन क्यूब टी को छोड़ेंगे तो रूट अंडर कॉस 2t का, पहले तो कॉस 2t के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस 2t का एंगल 2t के रिस्पेक्ट में, फिर 2t का टी के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो गया, देखिए रूट एक्स का हो गया 1, यानी तो जैसा छोड़ रखे थे कॉस 2t, साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का हो गया कॉस टी, अच्छा बट्टा में भी स्क्वायर भी होता है, सॉरी, तो हो गया रूट अंडर कॉस 2t का स्क्वायर। ओके, तो इसको ये तो है ही, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बीच में माइनस, ये साइन क्यूब टी है ही, रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर कॉस 2t, कॉस का हो गया माइनस में साइन 2t और इंटू 2 × 1 के बट्टा में बिना रूट का कॉस, क्योंकि स्क्वायर किया तो रूट हट गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, तो हो गया ये रूट के अंदर में कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अच्छा माइनस और माइनस मिलके प्लस, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t के बट्टा में रूट अंडर कॉस 2t, अच्छा इसके बट्टा कुछ नहीं है मतलब 1 है, और टोटल के बट्टा में ये वाला कॉस 2t हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको बीन जोड़ पहले कीजिए, इस बट्टा से ऊपर, तो ये नीचे वाला कॉस 2t तो है ही, अच्छा इसका लघुत्तम वो भी होगा रूट के अंदर में कॉस 2t, तो क्या हो गया 1 से रूट अंडर कॉस 2t के मर्तबे से, तो इससे गुना करेंगे तो ये हो गया, रूट वाला हट जाएगा तो सीधा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, मतलब भी इंजोर कर रहे हैं आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, फिर रूट अंडर कॉस 2t कट जाएगा तो हो गया साइन क्यूब टी और इंटू साइन 2t, है ना। ओके, अब क्या हो गया, देखिए कॉस 2t का फॉर्मूला बोलिए, तो कॉस 2t का तो 4 फॉर्मूला होता है, उसमें हम कौन सा लगाएं, तो साइन स्क्वायर है ना, तो साइन वाला, तो होता है 1 − 2 साइन स्क्वायर टी, ये तो हो गया कॉस 2t के जगह पर, और इंटू में है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, फिर साइन क्यूब टी इंटू, अच्छा साइन 2θ का साइन 2t का 2 साइन टी इंटू कॉस टी, चलिए अच्छा ये भी नीचे जब आएगा तो हो गया कॉस 2t, एगो था ही है, हो गया रूट अंडर कॉस 2t। अब क्या हो गया, इससे अंदर गुना करो तो 1 को करेंगे इससे तो हो गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस में 3 × 2 = 6 साइन के पावर 4 और इंटू कॉस टी प्लस, इन दोनों को गुना कीजिए तो हो गया 2 साइन के पावर में 4t और इंटू कॉस टी बाई कॉस 2t और इंटू रूट के अंदर में कॉस 2t, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी, अच्छी बात है। अब देखो भाई, माइनस में 4 साइन 4 इंटू कॉस, प्लस में 2 तो क्या, माइनस में 4 साइन 2 की पावर 4t और इंटू कॉस टी अपॉन और कॉस 2t इंटू रूट के अंदर में कॉस 2t। चलिए एक चीज देख लीजिए, यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, तो ऐसा करता हूँ साइन टी इंटू कॉस टी केवल कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, है ना, उसके बट्टा में क्या बचा, तो कॉस 2t और इंटू में रूट के अंदर में कॉस 2t, है ना। अब देख लीजिए, ये तो हो गया साइन टी इंटू कॉस टी गुने,
और ये जो है ना वो साइन थ्री टी का फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा के बट्टा में कॉस टू टी इंटू रूट के अंदर में कॉस टू टी, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और चलिए अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y क्या हो गया, y है कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस टू टी, उसी जैसे ये था ना साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस टू टी, इस तरह ये कॉस क्यूब टी बाई रूट अंडर साइन कॉस टू टी। इसको फिर से u बाई वी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे ये किए थे। तो चलिए ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या होता है, v को छोड़ देना होता है तो छोड़ दिए। u का डिफ्रेंशिएट मैंने कॉस क्यूब टी का, पहले तो कॉस टी के रिस्पेक्ट में फिर कॉस टी का टी के रिस्पेक्ट में, माइनस कॉस क्यूब टी को छोड़ेंगे तो हो गया रूट अंडर कॉस टू टी, पहले तो रूट अंडर के अंदर में जो भी है फिर कॉस टू टी को टू टी के रिस्पेक्ट में इंटू टू टी बाई डी टी के बट्टा में वी का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर कॉस टू टी का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी बराबर रूट अंडर कॉस टू टी तो है ही, और ये हो गया थ्री कॉस स्क्वायर टी गुने कॉस का माइनस में साइन टी। ठीक है, माइनस कॉस क्यूब टी इंटू, अच्छा रूट अंडर कॉस का रूट अंडर रूट एक्स का हो गया वन बाई टू रूट अंडर कॉस टू टी होगा क्या, और कॉस का हो गया माइनस में साइन टू टी गुने टू, है ना टू इंटू वन, और उसके बट्टा में कॉस टू टी स्क्वायर के तो रूट हट गया, जैसे यहां नहीं किए थे भीम जोड़ किए थे दोनों का इसको बट्टा वन करके, उसी तरह इसका बट्टा में वन होगा और इसके बट्टा में तो है ही, अगर दो से दो काट दे तो अगर भीम जोड़ करते हैं तो एलसीएम हो गया रूट अंडर कॉस टू टी, अच्छा उसके भी बट्टा में ये कॉस टू टी है। चलिए इधर हो गया कॉस टू टी इंटू माइनस में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी। चलिए अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला दीजिए कॉस के टर्म वाला, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो क्या होता है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ये तो कॉस टू थीटा के जगह पे माइनस में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, ये हो गया कॉस क्यूब टी और इंटू में फिर साइन टू थीटा का टू साइन टी इंटू कॉस टी के बट्टा में वो भी नीचे आएगा ना, तो कॉस टू टी इंटू रूट के अंदर में कॉस टू टी। ठीक है, अब देखिए इसे अंदर गुना करते हैं तो गया माइनस में सिक्स कॉस टू दी पावर फोर टी इंटू साइन टी, और फिर माइनस माइनस प्लस में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस टू कॉस टू दी पावर फोर टी इंटू साइन टी बाई कॉस टू टी और इंटू रूट के अंदर में कॉस टू टी। अच्छा भाई देखिए, ये माइनस में सिक्स जो चीज वही प्लस में दो गो तो माइनस में चार हो गया, ऐसा करता हूं देख लीजिए, तो ये हो गया माइनस में फोर कॉस का पावर फोर टी इंटू साइन टी और प्लस में थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी के बट्टा में हो गया ये चीज कॉस टू टी और रूट अंडर कॉस टू टी, कॉस टू टी इंटू रूट के अंदर में कॉस टू टी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए यहां पे कॉस साइन, यहां भी कॉस साइन, यहां भी तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, ये माइनस में साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन, तो बचा फोर कॉस क्यूब टी माइनस में थ्री कॉस टी के बट्टा में कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी। अच्छा ये हो गया माइनस में साइन टी इंटू कॉस टी, और गौर से देखना ये कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी, तो हो गया कॉस थ्री टी के बट्टा में कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी, ये हो गया डी वाई बाई डी टी। अब चलते हैं क्या चाहिए हमें, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी वाई बाई डी टी मतलब ये चीज, माइनस में साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस थ्री टी के बट्टा में कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी उसके बट्टा में, अच्छा फिर डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे निकला हुआ है साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन थ्री टी, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन थ्री टी के बट्टा में कॉस टू टी इंटू रूट अंडर कॉस टू टी। चलो भाई साइन टी इंटू कॉस टी के बट्टा ये आया, यहाँ भी साइन टी इंटू कॉस टी के बट्टा ये कटा,
माइनस में कॉस थ्री टी के बट्टा में साइन थ्री टी जो गया माइनस है कॉस बाय साइन कॉट थ्री टी। यही तो आंसर है आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा और वाई बराबर टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा हो तो डबल डिफरेंशिएशन। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ जब थीटा का मान पाई बाई टू हो। अच्छा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाई बराबर एक्स है उसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो डी वाई बट्टा डी एक्स होगा क्या, उसका वैल्यू वन हो गया। अब जो प्राप्त हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो जैसे डी वाई बट्टा डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे यही होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। मतलब पहले तो वाई को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए जो प्राप्त हुआ उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए जो प्राप्त होगा ना वही डबल डिफरेंशिएशन है। तो इसी तरह पहले एक्स इतना वाई इतना है तो पहले तो एक बार डी वाई बटा डी एक्स निकाल लिया, अब डी वाई बटा डी एक्स जो निकलेगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे वही हमारा डबल डिफरेंशिएशन है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले डी वाई बटा डी एक्स तक पहुंचिए तो उसके लिए एक्स को अलग वाई को अलग डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए चूंकि एक्स बराबर क्या है टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ओके डिफरेंशिएट करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा बराबर टू पीछा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉस टू थीटा का, पहले तो टू थीटा के रिस्पेक्ट में फिर टू थीटा के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो गया ये टू इंटू कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस का हो गया फिर से माइनस में साइन टू थीटा इंटू टू इंटू वन, ओके पहले प्लस वाला लिखिए तो ई वाला लिखेंगे तो टू दोनों जगह कॉमन भी ले लिया साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा, ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू। और चलिए फिर वाई बराबर क्या है, वाई हो गया टू साइन थीटा माइनस में साइन टू थीटा, डिफ्रेंशिएट करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा बराबर टू पीछा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन, पहले तो टू थीटा के रिस्पेक्ट में फिर टू थीटा के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो गया डी वाई बाई डी थीटा बराबर टू इंटू साइन का हो गया कॉस थीटा माइनस में साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस टू थीटा इंटू टू इंटू वन, फिर टू अगर कॉमन ले लिया कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा चलेगा, ये हो गया डी वाई बट्टा डी थीटा का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम लिख सकते हैं ना डी वाई के बट्टा में डी थीटा उसी तरह डी एक्स के बट्टा में डी थीटा। अच्छा डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू टू इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा के बट्टा में डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कॉसी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉसी माइनस कॉस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा प्लस टू थीटा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो हो गया फिर साइन टू थीटा माइनस थीटा बाई टू उसके बट्टा में साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अच्छा तो हो गया टू साइन थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू और नीचे हो गया फिर टू कॉस थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू से ये दो के साथ ये कट गया तो हो गया साइन बाई कॉस टेन थ्री थीटा बाई टू, ठीक है ये तो चलेगा। अब ये तो डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकला ना, तो क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थ्री थीटा बाई टू। ये तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ है केवल डी वाई बटा डी एक्स निकला है, एक बार पुनः डिफरेंशिएट कीजिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स को करना है तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टेन थ्री थीटा बाई टू, पहले तो थ्री थीटा बाई टू के रिस्पेक्ट में इंटू फिर डी थ्री थीटा बाई टू को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टेन का हो गया सेक स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू इंटू तीन बट्टा दो पीछा डी थीटा बट्टा डी एक्स, ओके सेक स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू इंटू तीन बट्टा दो। अच्छा ध्यान से देखिए डी थीटा बट्टा डी एक्स की जगह क्या रखूँ, तो देखिए डी एक्स बट्टा डी थीटा पता है डी एक्स बट्टा डी थीटा और यहाँ पे डी थीटा बट्टा डी एक्स, तो उसको पलट देंगे एक बट्टा डी एक्स बट्टा डी थीटा कर सकते हैं
तो एक बट्टा ये चीज़ रख दीजिए, तो टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। जी हाँ, अब आप ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, हमें तो पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ कब, जब थीटा का मान पाई बाई टू हो। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पाई बाई फोर रख दीजिए, तो सेक स्क्वायर तीन बट्टा दो गुने थीटा के जगह पाई बाई टू इंटू तीन बट्टा चार गुने एक बट्टा साइन टू इंटू पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू। ओके, अब हो गया सेक स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर और इंटू थ्री बाई फोर इंटू एक बट्टा साइन एक सौ अस्सी के मान जीरो और साइन नब्बे के मान एक। ठीक है, तरह से इसका वैल्यू हो गया टू और ये हो गया थ्री बाई फोर इंटू वन बाई माइनस वन, है ना। टू फोर जा टू, टू जा फोर हो गया माइनस में थ्री बाई टू, ये आपका आंसर है। चलिए 21 क्वेश्चन है कि इफ एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना हो तो डबल डिफरेंशिएशन बताओ। कुछ नहीं करना हमें, पहले तो डी वाई बटा डी एक्स निकालिए, उसको पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या है, चूंकि एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट कराऊँ थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए पी छा, थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन और साइन थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो गया ए इंटू थीटा का वन और साइन का हो गया कॉस थीटा। अब देखिए ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का। ओके, और चलिए वाई बराबर क्या है, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट अगर करूँ थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए पी छा, वन का डिफ्रेंशिएशन आप प्लस में कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो हो गया a इंटू वन का जीरो और कॉस का हो गया माइनस में साइन थीटा, a इंटू माइनस में टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे डी वाई के बट्टा में डी थीटा, उसी तरह डी एक्स के बट्टा में डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया माइनस में टू ए साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू के बट्टा में 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। चलो भाई 2a से 2a कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल, तो हो गया dy वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए क्या हो गया, ये डिफ्रेंशिएट अगर किया x के रिस्पेक्ट में अब करेंगे तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी छा डी कॉट थीटा बाई टू बट्टा में डी थीटा बाई टू के रिस्पेक्ट में इंटू डी थीटा बाई टू अपॉन डी डी एक्स। चल ये तो माइनस पहले से और कॉट का फिर से होगा माइनस में कॉस ए के स्क्वायर थीटा बाई टू और इंटू वन बाई टू और थीटा हो गया डी थीटा बट्टा डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ए के स्क्वायर थीटा बाई टू गुने वन बाई टू इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। तो डी थीटा बटा डी एक्स हमको नहीं पता, लेकिन डी एक्स बटा डी थीटा पता है, उल्टा कर देंगे इसको। तो डी एक्स बटा डी थीटा क्या है, ये इसको पलट देंगे तो हो गया वन बाई टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो वन बाई टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, साइन गया ऊपर तो हो गया फिर कॉस एक स्क्वायर, तो पूरा मिला के हो गया कॉस एक के पावर फोर थीटा बाई टू के बट्टा में फोर ए। यही तो आंसर होगा आपका डबल डिफ्रेंशिएशन का, है ना।